वो रूप बसंत की माँ, वो महारानी मृत्यु के निकट होती है और राजा को समझाती है कि पिया जी मेरी मृत्यु का समय नजदीक है और अब मेरे चलने का टाइम है। मैं आपसे अपील करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि आप दूसरी शादी मत करवाना। दूसरी शादी करवाने से जिंदगी में दुख हो जाएगा। कैसे? वो एक उदाहरण देगा, राजा को समझाती है। क्या कहती है? बहुत ही हिट वजन हिट रागनी है दादा की। कैसे? क्या लिखा? गौर से सुनोगे, प्रेम से सुनोगे तो आनंद आओगा। कैसे? क्या लिखा दादा ने? चिड़िया के दो बच्चे थे, मर जाता है मेरे बच्चा ने मत ना दुख पर तार दिए मत ना दुख का दो बच्चे थे, शोक दूसरी ने मार दिए, मैं मर जाता मेरे बच्चा ने मत ना दुख बरतार दिए। रानी पहली कली में क्या उदाहरण देती है? कैसे? क्या लिखा है? एक चिड़े की चिड़िया मर गई, एक चिड़े की चिड़िया मर गई, वो दूजी लाया ब्याह के देख शोक के बच्चों ने वा अब बैठ गई गम खाके, चिड़ा वारण चला गया फिर समझा और बुझा के, उस चिड़िया ने मैं दोनों बच्चे तड़े गिर दिए रखा करे चोच मार के घायल कर दिए, चोच मार के घायल कर दिए, चिड़िया ने जुल्म गुजार दिए जाता है, ओ मैं मर जाता है सजन मेरे तू, मैं मर जाता है सजन मेरे तू, तू जा ब्याह करवाइए ना सहे इंद्र की हो
सुर मिलो तू वीर दूसरी लाइए ना, तो बेटे तेरे दिए राम ने और तने कुछ चाहिए ना, हर रूप वसंत की जोड़ी न तू कत्ते भी चमकाइए ना, कत्ते भी चमकाइए ना, ओ उड़ा परा के धुआं धुआं के उड़ा परा ओए धुआं धुआं के तू कर इनका सिंगार दिए मैं मर जाए तेरे बच्चा मैं मतला दुख मरना दिए मतला दुख तीसरी कली में उदाहरण दिया रानी ने के जिनकी माँ मर जाती है उन बच्चों का दुख रानी ने इस कली में लिखा है, कैसे माँ के मरने के बाद वो बच्चे दुख में भी चरते फिरते हैं, क्या लिखा है तीसरी कली रेत में बिन जोरी के जरिया कर, कोई खुड़का दे कोई धमका दे वो दुख भी पता मगिरा रहे, पाप की नैया आदम डूब जा धर्म का बेड़ा तेरा करे धर्म का बेड़ा तेरा करे, ओ मरी हुई ने मन याद करे मरी हुई ने मन याद करे थाती का पूछ कार दिए मैं मर जाता है मेरे बच्चा बदना दुख पर तार दिए बदना दुख पर तार आसमान वाले जमी पर उतर के रे, ओ आसमान वाले जमी पर उतर के रे, होती है क्या जुदाई होती है क्या जुदाई हो तू भी उतर के रे, आसमान वाले जमी पर उतर के रे, ओ आसमान वाले जमी शोर पे से आशीर्वाद देते हैं बार बार प्रणाम। ये अंकल जी आर्मी मैन और मान सम्मान करते हैं बार बार प्रणाम। और जब आखिरी घड़ी नजदीक दिखी रानी को आखिरी चार लाइनों में दादा ने संदेश दिया और रानी फिर स्वर्गपुरी की ओर चलती है, कैसे क्या संदेश देती है आखिरी कली में राजा ने क्या लिखा है, मेरा फर्ज था
समझावन का अग तेरी तकदीर पिया रोया बिना जाता मेरे ते गया सुख नैन का नीर पिया मेरी करनी मेरा आगे आगी आगे तेरी तकदीर पिया श्री लक्ष्मी चंद कह मान कहे की आलिया भक्त अखीर पिया आलिया भक्त अखीर पिया ओ मांग राम कह इतनी कह के मांग राम कह इतनी कह के रानी ने पैर पसार दिए मैं मर जाता मेरे बच्चा भरता